अरे रवि दादा बैठ जा, रवि दादा आगे बैठ जा। रवि भाई विजुअल वाले नहीं मिलेगा फिर आप बैठे। मैम लेफ्ट साइड। रवि भाई रवि यार दिक्कत है भाई। रेडी विजुअल 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 एक सेकंड। राधिका मैम सेंटर में है। अश्विन दो ऊपर लो। अश्विन अश्विन फोन कर लो। ये बात ना जितना तो दिखने दे कौन खड़ा है इतना बूम ऊपर पूरे तो पूरे बनने का कोई घेना पूरे आपको लगता है कि बॉलीवुड में एक मैंने ये ट्रू पढ़ा नहीं है मुझे स्टोरी के बारे में कुछ पता नहीं है पर आई एम श्योर दैट नवाज़ एंड बोथ आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। कौन सी कंट्रोवर्सी सर बसे तो बोले अरे ये भाई नीचे नीचे का नीचे नीचे का छाला देख ले कॉल कर आगे ले ला इसको आगे ले ऐसी मूवीज बहुत कम बनती है एंड वी शुड सपोर्ट सच फिल्म्स। लिपस्टिक एक ऐसा यू नो वो मूवमेंट हो गया कि नॉट ओनली वुमेन बट ऑल्सो मैन आर गोइंग ऑल आउट एंड पोस्टिंग पिक्चर्स विद द लिपस्टिक एंड टॉकिंग अबाउट वुमेन राइट्स एंड इक्वालिटी एंड ये बहुत अच्छी बात है ऐसी पिक्चर को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसी पिक्चरें जब जब मार्केट में आती है तो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी बरसती है काफ़ी पब्लिक चर्चे में भी आती है फिर चाहे वो किस तरह की भी वुमेन सेंट्रिक मूवी ज़्यादा चर्चे में आती है तो उसके ऊपर आते हैं। या बिकॉज इट इज़ द टॉपिक ये इतना सेंसिटिव इशू है जब आप वुमेन सेंट्रिक फिल्म बनाते हैं विच हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस तो उसके चर्चे तो होंगे एंड आई थिंक एक अच्छी रीज़न के लिए चर्चे होते हैं एक मूवमेंट शुरू होती है। इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट सच मूवीज आर ऑल्सो स्टिल बींग मेड। अगर ये अच्छी नहीं होती तो इसको 11 इंटरनेशनल अवार्ड्स नहीं मिलते। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट इट इज रिलीजिंग इन इंडिया। कौन गिरा? आई एम वेरी हैप्पी दैट फाइनली इट इज यू नो रिलीजिंग इन इंडिया एंड वी आर ऑल हियर टू सेलिब्रेट लिपस्टिक। ओके थैंक यू। दिव्यांका को मोस्ट एडमायर्ड वुमेन का अवार्ड मिला है महाराष्ट्र। सो ओह आई डिडंट नो दैट। या तो आपको क्या कहना है कि कितनी डिजर्विंग है अवार्ड के लिए एंड अब उनको कांग्रेचुलेट करना है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है उनके हस्बैंड के साथ मैंने ऑलमोस्ट एक साल काम किया कवच पर एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। उसने आज तक जो अचीव किया इवन नच बलिए जीता आई एम वेरी हैप्पी फॉर द कपल एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू दिव्यांका। थैंक यू सो मच। थैंक यू क्योंकि बालाजी प्रेजेंट कर रहा है
इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट उन्होंने चूज़ किया टू प्रेजेंट एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड उम्मीद है कि यू नो ऐसी फिल्में जो अलग कॉन्सेप्ट की होती है जो लोगों को इंस्पायर कर सकती है आई होप दैट मोर फिल्म्स लाइक दैट गेट मेड बिकॉज आई थिंक कि जब आप किसी को इंस्पायर कर सकते हो आई थिंक वो बहुत बड़ी बात होती है. श्रद्धा जैसे आपने कहा कि अलग तरह की फिल्म होती है काफ़ी अच्छी लगती है और वुमेन सेंट्रिक मूवी होती है चर्चा मूवी होती है जैसे आपकी अपकमिंग मूवी हसीना पाकर भी थोड़ी रिलेट करती है वुमेन सेंट्रिक पे अब सिलेक्ट अंडर माई बोर्ड का तो लाइक उसके ऊपर आप क्या करना चाहेंगे. सेम जैसे ही मैंने कहा माई आंसर इज़ द सेम थिंग आई होप दैट अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरीज भी बने एंड आई थिंक दैट यू नो जब लोग फिल्में देखने जाए थिएटर में दे फील वेरी चार्ज्ड अप एंड इंस्पायर्ड. थैंक यू. आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच लिपस्टिक अंडर माई बुर्का फॉर वन एक्चुअली फॉर टू रीजन्स. वन इज़ दैट इट्स अ बोल्ड अटेम्प्ट टू टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट विच हैज़ ऑलवेज बीन वेरी अंडर कवर एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज़ अबाउट विमेन एंड इट इज़ अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ विमेन और हमको मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड बी रिजॉइसिंग the whole attitude of women in our country much more. So this is about celebrating womanhood. So uske liye mujhe aisa lagta hai ki jitna ho sake hum ko lipstick under my burqa ko promote karna chahiye aur jitna zyada word of mouth publicity milega ye movie ko utne zyada log maybe akele ja ke dekhenge but dekhenge zarur. मैम एक वुमेन को मोस्ट एडमायरिंग वुमेन का अवार्ड मिला है लाइक दिव्यांगा त्रिपाठी को तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए. अच्छा आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग. मैम आपके ट्रेलर को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है आज सुबह से तो कैसे कमेंट्स मिल रहे हैं. हाँ मैं बहुत आई एम राइट नाउ वेरी टायर्ड तो यस बहुत ही अच्छा फीलिंग है ये और बहुत बहुत अच्छा फीलिंग है ये और दिल से बनाया तो अगर लोगों तक पहुँचे और तो बहुत ही अच्छी बात है. बस अभी पिक्चर डिसाइड करेगी कि क्या होगा मेरे को पिक्चर जाके देखना है. रुको